ममता बनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका यहाँ पे वोटर नहीं है। वो उनको जरूरी था दिखाना, उनको एहसास कराना था कि हिंदू भी कुछ है। हिंदुओं के साथ हो रहा उसके लिए था कि भाई वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार ज्यादा हो रहा था, इसलिए यहाँ पर उनको काले झंडे दिखाए गए। देखिए वो तो बंगाल से अपना आई थी, अपना दर्शन करने आई थी, तो ऐसा करना विरोधक नहीं होना चाहिए किसी का भी। ममता बनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका यहाँ पे वोटर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ममता बनर्जी आई थी यहाँ पर अखिलेश का समर्थन करने के लिए जी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ यहाँ पे सब लोग मोदी में है, दो विकास को देखकर, हम लोग विकास को देखते हुए मोदी के साथ हैं, उन्होंने विकास किया हुआ तो बस वही देखते हैं। इससे पहले विकास नहीं हो रहा था, नहीं ये जमाने तब ज्यादा विकास हो रहा है, और हम लोग कॉन्फिडेंस है कि आगे भी अच्छे से विकास करेंगे। ये ममता बनर्जी क्यों समर्थन में उतरी अखिलेश? ममता बनर्जी अपना राजनीतिक लाभ के लिए उठी कही हुई है कि भाई उनके समर्थन के लिए अखिलेश गए थे, तो वो यहाँ पर उनके समर्थन के लिए आई हुई हैं, वो दिखाने के लिए गठबंधन के राजनीति करना है उनको, तो इसलिए वो आई हैं। बाकी उनका कोई वोट बैंक यहाँ है नहीं। उत्तर प्रदेश में लगता है ममता बनर्जी आके जीत हासिल करवा पाएंगे? नहीं, वो तो संभव नहीं है कि उनके एकदम संभव नहीं, एकदम नहीं संभव, क्योंकि पहले यहाँ पे लाइट नहीं आती थी, अब 18 घंटा गाँव में और शहर में तो 24 घंटा लाइट आती है, तो ये था शाम को सभी कभी भी लाइट नहीं आती थी, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, तो बहुत विकास हुआ है मैम। अच्छा, जो काला झंडा दिखाया गया ममता बनर्जी के विरोध में, उस पर निराशा जता रही थी ममता बनर्जी? वो उनको जरूरी था दिखाना, जरूरी था दिखाना, क्योंकि वो हिंदुओं को कुछ समझती ही नहीं है। वो उनको जरूरी था दिखाना, उनको एहसास कराना था कि हिंदू भी कुछ है, उसको मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम लोग बेकार थोड़ी ना। काला झंडा दिखाने का क्या मतलब कि आप यहाँ पर जाइए? नहीं, आप जाइए, लेकिन अगर जाना हिंदुओं के साथ हो रहा उसके लिए था कि भाई वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार ज्यादा हो रहा था, इसलिए यहाँ पर उनको काले झंडे दिखाए गए कि भाई वहाँ पर आप कम से कम उनको तो बचाइए। ठीक है, राजनीति करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि एक धर्म दूसरे धर्म पर वो चीज़ करे। सभी धर्म एक समान होने चाहिए, सभी लोगों के यहाँ एक समान होने चाहिए। ममता बनर्जी सब धर्मों को एक साथ नहीं लेके चलती? एक साथ नहीं लेके चलती है ना, वही तो उनके साथ दिक्कत है। बाकी और जैसे यहाँ पर देखे कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है यहाँ पर। ममता बनर्जी आई थी यहाँ पर, काले झंडे दिखाए गए, उनको क्या कहेंगे? देखिए वो तो बंगाल से अपना आई थी, अपना दर्शन करने आई थी, तो ऐसा करना विरोधक नहीं होना चाहिए किसी का भी। ठीक, बनारस में देखिए छठे चरण में मतदान होने हैं, हम लोग जानेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे एक एक करके। क्या नाम है आपका? आयुष। मोदी जी आएंगे, रोड शो होगा, क्या कहेंगे? बनारस में कैसा हो रहा है? बनारस बहुत अच्छा विकास हो रहा है, हर चीज का जन धन तन मन से पूरा काम हो रहा है, हर तरफ मतलब रोड का विकास हो रहा है, और काफ़ी रोजगार का भी, स्वच्छता पे भी ध्यान दिया जा रहा है काफ़ी। अच्छा, क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, अच्छा, यहाँ पर मोदी जी को देखने खड़े हैं? ठीक, आज रोड शो है। हाँ, बनारस से ही हैं? हाँ, इसलिए घर मेरा, यहीं से रहते हैं। कैसा विकास हो रहा है बनारस में? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी आएंगे मोदी जी, यहाँ से भाषण देंगे, सबको सुनने के लिए खड़े हुए हैं? हाँ, देखने के लिए खड़े। बनारस में किसकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए इसी की सरकार, नहीं आनी चाहिए मोदी जी की। मोदी जी की। अच्छा, योगी जी की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी भी उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। सुविधाएं वगैरह सब मिलती? हाँ, एकदम बढ़िया कर रहे हैं, एकदम बढ़िया कर रहे हैं। चलिए, चाहते हैं आपके फिर से योगी सरकार। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम है? राजकुमार कनौजिया। आप भी बनारस से? बनारस से। क्या कहेंगे, किसकी सरकार इस बार? योगी की सरकार। कैसा काम हो रहा है, विकास कैसा? विकास बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। देखिए बनारस में आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं, रोड शो उनका शुरू हो चुका है। सामने यहाँ पर तो भीड़ है ही, उस तरफ बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि वहाँ से काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सबसे पहले वो आए इस यहाँ मंच पर, पोडियम के पास, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति पर उन्होंने हार चढ़ाया, उसके बाद लोगों को उन्होंने हाथ दिखाया, संबोधित किया सबको, और फिर देखिए सामने से उनका काफिला निकल गया है। यहाँ पर जो लोग पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, इन लोगों से पूछते हैं बनारस में कितना विकास हुआ और क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार जीत रही है? क्या नाम है? आशीष श्रीवास्तव। आशीष जी, कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? मोदी को छोड़ के कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा कॉन्फिडेंस, इतना काम किया है उन्होंने हमारे लिए जो है। अखिलेश का कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही बता रहा है, अखिलेश ने लिस्ट तैयार कर ली है। हम लोग तो आम जनता है, भाजपा ही नहीं है, लेकिन हम लोग काम देख के वोट दे रहे हैं। सोते ज्यादा सपने में वो जीत रहे हैं, इसलिए बार बार वो सपने की बातें कर रहे हैं, वो सपने में जीत रहे हैं। थोड़ी सीट उनके बढ़ेगी पिछले बार से ज्यादा, लेकिन मोदी जी और योगी जी ही आ रहे हैं। थोड़ी सीट बढ़ रही है, सरकार बन रही है योगी जी की। बोले ना, अखिलेश जी बोले श्री कृष्ण आए उनके सपने में, डंडा के लिए आए हैं उनको। हाँ,
अच्छा अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि मैंने लिस्ट तैयार करी है जिन जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया और जनता को परेशान किया उनका हिसाब चुकता होगा। उनको तो आना ही नहीं है तो लिस्ट बना के क्या करेंगे वो? लिस्ट में दीमक लग जाएगा लिस्ट में। अखिलेश जी ने जो लिस्ट बनाई है ना वो यहाँ के गुंडे हैं उनकी लिस्ट बनाई है, क्योंकि सरकार ने उनपे कब्जा काबू रखा है ना, वो आएंगे तो उनको छोड़ेंगे अखिलेश। उनकी नेताओं की लिस्ट के नाम बता दीजिए, कितने गुंडे हैं उनकी लिस्ट? कौन गुंडा नहीं, अखिलेश से लेकर हर आदमी गुंडा है। आपने उनकी बातचीत देखी है, मन से कैसे पुलिस वालों को बोलते हैं, कैसे लोगों को भगाते हैं, अपने फादर की फोटो कैसे पटक देते हैं, तो आपका क्या लगता है ऐसा इंसान नेता बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कभी नहीं। योगी को पढ़ा लिखा सीएम बताते हैं, जनता को पढ़ा लिखा सीएम नहीं चाहिए? कौन सा पढ़ा लिखा है? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। कौन सी पढ़ाई आपके पास, जानते हैं कोई सर्टिफिकेट है? लगता उनके बिहेवियर से पहले अपने देश की पढ़ाई पढ़िए फिर विदेश जाइए, क्योंकि देश चलाना है विदेश नहीं चलाना है। हमारे इंडियन कल्चर को अपनाइए, हमारे यहाँ रहिए तब पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में तो लोग संपन्न है, वहाँ का आप नजर में योगी जी पढ़े लिखे नहीं है, जबकि योगी जी बीएससी कर रहे हैं, किए हुए मैथ से काफी क्वालिफाइड है। जब वो मंच पे आते हैं बातें करते हैं काफी लॉजिकल रेशनल बातें करते हैं, और जो उन्होंने अफवाह पहनते हैं इसलिए उन्हें अनपढ़ समझा जाता है। देखिए वो मठ से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपने परिवार संसार को छोड़ दिया है इसलिए वो ऐसा धारण करते हैं, परिवार भी छोड़ा है सब कुछ छोड़ा, लेकिन देश के लिए अपनी जनता के लिए वो काम करते हैं। कोविड सिचुएशन में देख लीजिए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री देश के विदेशों में भी नहीं था जो इतना मेहनत से काम कर रहा था। उनके फादर की डेथ हो गई, वो वहाँ नहीं गए, जनता के साथ लगे थे। तो हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो काम करने वाला है, एक हाथ में बुलडोजर लेता है, माफिया की जमीन कब्जा करता गिराता है, वहाँ पे विकास भी करता है, तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा भी धमकी देता हुआ नजर आया है, कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मैंने अखिलेश से बात कर ली है कि जब हमारी सरकार आएगी 6 महीने तक किसी का तबादला नहीं करेंगे, पहले बदला लेंगे। मैंने भी सुना था, इनको सपने देखने दीजिए, योगी जी की सरकार आएगी वो वापस बिल में जेल में चले जाएंगे, अपने आप सरेंडर कर देंगे, भैया हमको 5 साल बाहर नहीं निकलना है। उनको पता 5 साल बाहर निकलेंगे तो काम तमाम हो जाएगा उनका। आपको जेल की रोटी सबसे अच्छी लगती है योगी जी की सरकार में? वही जेल जाएंगे। देखिए मैडम, गांधी जी जब थे हमारे तो उस समय जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम नरेंद्र मोदी के जीवन काल में पैदा हुए, हमारा जीवन धन्य हो गया। समाजवादी पार्टी के लोग धमकियां क्यों दे रहे हैं? कभी पुलिस प्रशासन को धमकी देते हैं, कभी आम जनता को धमकी दे रहे हैं कि हम आएंगे तो देख लेंगे, ऐसा क्यों? मैडम देखिए, उनको आना है नहीं, जब आना नहीं है तो कुछ भी कह लीजिए आप कुछ भी कह लीजिए। अरे नरेंद्र मोदी के साथ स्वयं महादेव महाकाल चलते, उनके दाहिने हाथ में चलते उनके साथ, उनको कौन हराएगा? कोई नहीं हराएगा उनको, स्वयं महादेव चलते उनके साथ। ये अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में पढ़ करके नाम अपना सब खराब कर दिए एकदम से। हम लोग इसलिए लाए थे अखिलेश यादव जी को कि आएंगे अच्छा काम करेंगे। हाँ, विदेश से पढ़ के आए, विकास किया 5 साल में? कुछ नहीं किए मैडम, कुछ नहीं किए। अभी देख लीजिए, गोदलिया गए थे हम लोग और विश्वनाथ जी का धाम देखिए कितना अच्छा बना, गोदलिया पैर रखने की जगह नहीं होती थी आज इतना। यूपी में सड़कों का जाल बिछाया, कुछ नहीं बिछाए मैडम, कुछ नहीं बिछाए। नहीं लो, इनसे पूछिए लोग, पहले वो पत्थर लगवा के शिलान्यास कर देते थे, ना जमीन अक्वायर होती थी ना कुछ काम होता था, सारे कागजों में बातें होती थी। योगी जी मोदी की सरकार ने पूरा काम करके उनको काम किया। आप देखिए ये बातें करते ना कि हमारी योजना हमारी, अरे योजना पेपर पर कोई योजना होती है? जब वो जमीन पर आती तो एक्चुअली योजना होती है। योगी जी मोदी जी ने वो योजना को धरातल पर लाया, काम हुआ है, हाईवेज बन गए हैं, वो नहीं कि फीता काट के हमने हाईवे हमारी योजना है। अखिलेश तो बोलते हैं कि योगी सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं, काम तो मेरा हुआ है। देखिए उन्होंने खाली पेपर में बातें कर ली, काम तो हुआ नहीं। जो जमीन अक्वायर नहीं हुआ वहाँ हाईवे कैसे बनेगा? योगी जी आए, जमीन अक्वायर हुई, उसके बाद से काम स्टार्ट हुआ। फीता काटने का मतलब इनॉग्रेशन है, आम जनता उस पर जा रही है, तो वो काम चाहिए, एग्जीक्यूशन होना है। क्या नाम है? हमारा नाम जो है अच्युतानंद पांडे है, जो बनारस के रहने वाले हैं, चंदौली। हाँ। मुख्तार अंसारी के बेटे कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो चुन चुन के बदला लिया जाएगा प्रशासन से, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि मुख्तार अंसारी की सरकार या सपा की सरकार नहीं बनने वाली है। हाँ। साफ सुन लीजिए, यहाँ मत पड़ेगा मोदी जी के नाम पर। अच्छा। मोदी वह देश का नेता है, वह व्यक्तित्व है जो कि देश और दुनिया में बनारस की धरती का नाम पैदा किया है, उसके नाम मोदी जी के नाम से यहाँ जनता उमड़ी है। आप समझे, विधायकों को वोट नहीं मिल रहा है, यहाँ मोदी के नाम से जो सच्चाई है। अब कोई आदमी अगर विरोधी है तो उसका स्वभाव है विरोध करने का, वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो,
चाहे कोई चीज हो, तो वो तो मान के चलेगा कि हमको विरोध करना ही है। लेकिन अखिलेश तो बोल रहे हैं उन्हीं की सरकार आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अखिलेश भाई। कहने के लिए उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, उनका काम